श्री कृष्ण जी माता जी की आज हम बनाएंगे काठिया वाली भाखरी और सब्जी। सब्जी होगी ग्रीन प्याज गांठिया की सब्जी और भाखरी होगी और साथ में बहुत बढ़िया लच्छी होगी। मित्रों आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब ना किया तो वो करना। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हो और आपका वीडियो का मुझे लाइक का होता है इंतजार। देखिए मैंने ये दरदरा आटा लिया है, गेहूं का दरदरा आटा से काठियावाड़ वाले भाखरी बनाते हैं। मैंने एक कटोरी आटा लिया है, एक चम्मच से थोड़ा कम नमक डालूंगी, आप स्वाद के हिसाब से नमक डालिए। 3 से 4 चम्मच इतना हमें तेल डालना है। तेल डालने के बाद आटे को अच्छे से मिला देंगे। आज की सब्जी बहुत सुपर होगी, एक बार आप बनाओ तो एकदम खाने का बहुत मजा आता है। और ये ठंडी के मौसम की शुरुआत हो गई है तो अच्छा लगता है। तो देखिए आटा हमें ऐसा करना है, तेल थोड़ा ज्यादा आएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदेंगे। आटा थोड़ा है इसलिए पानी भी थोड़ा डालना है हमें, और आटे से अच्छे से गूंद के रेडी कर देंगे। ये आटा एकदम टाइट रखना है हमें। देखिए आटा मैंने गूंद के रेडी कर दिया है। ये आटे को हम 15 मिनट रेस्ट देंगे। आटे को मैंने डब्बे के अंदर रखा है। अब रोटी बनाओ या भाखरी बनाओ आटा ऐसे 15 मिनट। प्याज को मैंने अच्छे से वॉश करके बारीक बारीक कट कर लिया है। बड़ा एक कटोरा प्याज लिया है, एक गांठ लहसुन है बारीक कट कर लिया है, 4 नंग हरी मिर्ची है तिक्खी वाली बहुत बढ़िया स्पाइसी स्पाइसी, और ये है गांठिया। आगे जो मसाला करो वो पूरा आपको दिखाती हूँ। मैंने कढ़ाई के अंदर तेल गरम रखा है बड़ा 2 चम्मच। एक बारीक कट किया टमाटर है, थोड़ी सी राई डालूंगी, थोड़ी सी हींग डालूंगी। काठियावाड़ वाले सिंग तेल का ज्यादा उपयोग करते हैं, मूंगफली का तेल आता है वो, तो मैंने भी आज सिंग तेल का उपयोग किया मूंगफली का तेल का। तो हम डाल देंगे राई के अंदर, राई दाटकने आई है तो देखिए साथ में हम डालेंगे बारीक कट किया हुआ लहसुन और मिर्ची। लहसुन बढ़िया सा एकदम लाल होने देंगे, लहसुन अच्छा लाल होगा तो सब्जी अच्छी बनेगी। लहसुन बढ़िया सा लाल हो चुका है तो हम डाल देंगे टमाटर। थोड़ी देर टमाटर को पका लेंगे, टमाटर अच्छे से तेल के अंदर सेक लिया है। मसाला करेंगे, कश्मीरी मिर्ची डालेंगे आधी चम्मच, आधी चम्मच तीखी वाली, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया जीरा। नमक आप स्वाद के हिसाब से डालिए। हरी प्याज डाल देंगे, प्याज डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे। मित्रों आपने सब्जी तो बहुत खाई होगा लेकिन ये काठिया वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है, मसाला से भरपूर होती है और गरम मसाला का उपयोग नहीं होता है। थोड़ा सा डालेंगे पानी, 1 कटोरी पानी डालना है। प्याज डालने के पानी डालने के बाद हम 5 मिनट तक पका लेंगे। हम बनाएंगे चटनी। तो ये देखिए जीरा लिया है, लहसुन लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्ची आएगी, थोड़ा सा नमक, काठियावाड़ वाले ये चटनी एकदम बढ़िया बना के खाते हैं, इसे लिखनी है चटनी। देखिए अच्छे से हम
कूट के चटनी रेडी कर देंगे। चटनी हमारी मस्त रेडी हो चुकी है, थोड़ी सी चटनी जाएगी सब्जी के अंदर। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और ये मैंने लहसुन की चटनी डाली है। अच्छे से मिला देंगे चटनी को और डालेंगे गांठिया। गांठिया डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे। गांठिया डालने के बाद 2 मिनट के अंदर हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए मस्त सब्जी हमारी हो चुकी है, तो हम गैस को बंद कर देंगे और भाकरी बनाएंगे। देखिए आटा बहुत बढ़िया हो चुका है, तो हम सिलोई कर देंगे। भाकरी बनाएंगे, ये भाकरी थोड़ी जाडी आएगी मोटी। नॉर्मल हमारे घर पे भाकरी बनाते हैं, लेकिन वो बारीक वाला आटा इससे बनाते हैं, लेकिन काठिया वाली भाकरी दरदरा आटे की बहुत सुपर बनती है। देखिए भाकरी हो गई रेडी, तो हम भाकरी को सेक लेंगे। तवा लिया है, तवे के ऊपर सेक लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से भाकरी को सेकना है, लेकिन ऐसे एक कापड़ से ऐसे दबाएंगे अच्छे से। दोनों तरफ से बढ़िया सा सेकना है हमें। दोनों तरफ से मैंने बढ़िया सा सेक लिया है। देखिए भाकरी हो गई रेडी। गर्मा गर्म भाकरी ऊपर बढ़िया सा देसी गाय का घी, एकदम बिस्किट के जैसी होती है। मित्रों आप देख सकते हो बहुत ही सुपर मैंने खाना बना दिया है काठियावाड़ी, एकदम सिंपल और टेस्टी। ये खाना घर पे मिल जाए तो और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मित्रों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करना, दोस्तों के अंदर शेयर करना। कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक रहिए खुश। ओके बाय बाय।